ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे लड़ा है बाइक वाला, ये मेरा गेट पूरा पचक गया, वहाँ पे वो शायद लड़ गया। और मैं गुरु ऐसे ही खेत में लोड कर रहे थे, हम घूमने आए थे, हमको दिखी है कि ये मारुति सुजुकी की कैरी, इसका नाम है सुपर कैरी, दिखा रहा हूँ आपको, फीचर भी बताऊँगा क्योंकि छोटी गाड़ियों में मुझे ये बड़ा सही लगी देखने में। महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो दोस्तों हो चुकी है सुबह, मैं नहा धो के मस्त रेडी हो चुका हूँ, सुबह की शुरुआत हो रही है आज घर से। आज है मंगलवार, तो आज अपन मंदिर जाएंगे। जो वीडियो देखते हैं मेरी उनको पता है कि मैं मंगलवार को मंदिर जाता हूँ। तो आज चल रहे हैं हनुमान जी के यहाँ दर्शन करने। आज गाड़ी पे नहीं जाएंगे क्योंकि भाड़ा है, और गाड़ी पे हमारे ड्राइवर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। एक नॉर्मल ब्लॉग होने वाला है। ये जो लोग भी बोलते हैं आप घर पर नहीं रहते क्या, आप घर नहीं जाते, भैया हम रहते। पहले तो आपको बता दूँ, मैं गाड़ी चलाता ही नहीं था, बहुत रेयर केस में चलाता था क्योंकि हमने ड्राइवर रखा हुआ है, वो चलाते हैं। बट अगर वो नहीं चलाए तो हम मेहनत खुद कर लेते हैं, ऐसा था। तो चलिए चलते हैं मंदिर, फिर मिलते हैं आप सभी से आगे। तो गुरु अपन आ गए मंदिर, पूजा कर लिए, पूजा करके अब निकल रहे हैं घर। ये रहा प्रसाद, रहे हनुमान जी, अब यहाँ से चलते हैं घर चलेंगे। आज नॉर्मल ब्लॉग बोल रहा हूँ होने वाला है क्योंकि गाड़ी पर जाएंगे नहीं, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, बनारस हो सकता है जाए या कहीं। तो बस ऐसे नॉर्मल घूम टहर के आएंगे आज, और थोड़ा काम भी है। पुरानी गाड़ी जो मेरी 207 है तो उसका मैटर है क्योंकि क्लोजिंग मंथ चल रहा है, वो किस्त डाला नहीं, गाड़ी अभी भी अटकी है, जो लिया है वो देने को तैयार नहीं है। मेरा माइंड ही नहीं काम कर रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, अब निकलते हैं पहले बैंक चोलामंडलम में जाएंगे, देखते हैं उनके मैनेजर क्या बोलते हैं, वहाँ से बात करके फिर बताएंगे आप सभी को, आगे अपडेट देते रहेंगे। क्या दे रहा है बेटा? का देखा, दूध पिला रहा है। क्या खिला रहा है बेटा? अंगूर, ग्रेप्स है, ग्रेप्स। क्या है? तो गुरु पूजा वूजा करके आए, अपन अभी घर पे हैं, और जाने वाले थे हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, मैं जाने वाला था बैंक तो गया नहीं। अब चलेंगे गाड़ी पे क्योंकि ड्राइवर गया नहीं है अभी हमें घर पे, और तकरीबन बज गए हैं शाम के 3। भाड़ा है, ड्राइवर उनके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो वापस चले गए, तो आज भी नहीं जाएंगे, तो आज भी हमको जाना है। हमने दाढ़ी वाड़ी सब, बाल बाल सब आज बना लिया, थोड़ा इंसान बन गए। बियर्ड अच्छी थी, बड़ी थी, तो अभी हमको अच्छी नहीं लग रही है छोटी। तो चलिए चलते हैं अब गाड़ी लोड करने, क्या कर सकते हैं, किसी और दिन बैंक जाएंगे, किसी और दिन का कल या तो परसों। चलिए मिलते हैं आप सभी से आगे रास्ते में। तो गुरु फाइनली पहुंच गए अपने लोडिंग पॉइंट पे, अपना पता ही है, बहुत सारा काम था नहीं हुआ, ड्राइवर नहीं आया इनकी वजह से, और अब आज भी गाड़ी पे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अपने लोडिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं, अभी देखते हैं क्या होता है क्योंकि आज शायद जल्दी लोड होगा मेरा। बाकी की 3 गाड़ी भेज दिया हूँ, बीडीएम भाई अकबरपुर से खाली करके आए, वो घर चले गए, और मैं अब लोड करके अपना निकलूँगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से आगे। तो गुरु फाइनली अपन पहुंच चुके हैं खेत में, लोडिंग पॉइंट से आ गए, अभी खेत में है लोडिंग करने के लिए आए हुए। ये देख सकते हैं मेरी गाड़ी, मैं और दिखा रहा हूँ खेत आपको, ये है खेत जहाँ पे मैं लोड करने आया हूँ अपना माल। उधर से सब वो रखा हुआ है जो चमक रहा है गोनी, वो सब। तो अभी लोडिंग देखते हैं, चालू हो जाएगा थोड़े, तो अभी मिलते हैं आप सभी से लोडिंग के टाइम। गुरु ऐसे ही खेत में लोड कर रहे थे, हम घूमने आए थे, हमको दिखी है कि ये मारुति सुजुकी की कैरी, इसका नाम है सुपर कैरी, दिखा रहा हूँ आपको, फीचर भी बताऊँगा क्योंकि छोटी गाड़ियों में मुझे ये बड़ा सही लगी देखने में। एक तरीके से टाटा मैजिक या जो भी हैं उन सबसे ठीक लगी देखने में, उन लोग का कंपैरिजन मुझे नहीं पता है, बट ये देखने में ठीक ठाक लग रही है। पेलोड वोड भी ठीक है, सब बता देता हूँ आपको। पीछे से ऐसी है और आगे से दिखा रहा हूँ, और CNG है बेसिकली, ये CNG पे कितना एवरेज देती है पता नहीं, एवरेज मुझे पता करना पड़ेगा। आगे से ऐसी है, देखने में बड़ी प्यारी लग रही है, मैक्सी ट्रक की जैसा मतलब एक छोटी सी ट्रक लग रही है। इसमें R13 टायर लगता है, 155 R13, और इसका इंजन जो है और वो 72 हॉर्स पावर का इंजन है, 4 सिलेंडर, और ये CNG है जहाँ तक मुझे जो नॉलेज है वो मैं बता रहा हूँ। तो देखने में मुझे बड़ा सही लगी, और इसका 750 किलो पेलोड है, और एक शोरूम प्राइस की बात करें तो एक शोरूम प्राइस की है 4.5 से 5.5 लाख के आसपास, क्योंकि अलग अलग वेरिएंट है, अलग अलग वेरिएंट में, मतलब कि CNG है, डीजल और पेट्रोल दोनों हैं, तीनों हैं, तो सब अलग अलग वेरिएंट का अलग अलग प्राइस है। तो एक मतलब कम समय में मैं एक नॉर्मल चीज़ें आपको बता दिया, पासिंग, टायर कौन सा है, इंजन, सब।
छोटे मतलब छोटे से एक वीडियो में, छोटे टाइम में, 1 से 1.5 मिनट में आपको टोटल समझा दिया, मतलब मुझे अच्छी लगी इसलिए बता दिया। तो चलिए चलते हैं अपने गाड़ी के पास। हमारी गाड़ी वो रही, खेत में लोड हो रही है, आए तो आपको बताया ही कि खेत में पहुँच गए, तो चलिए मिल। तो गुरु फाइनली अपनी गाड़ी लोडिंग चालू हो गई है, क्या लोड हो चुका है आधा देख सकते हैं। दिखा रहा हूँ बैक कैमरे से, यार मुझे रोन लगा था गिने ना, इतना लोड हो गया। जब लो दिक्कत अमन हो उनने गिने लगा था। सूरज ढलता हुआ, चांद निकलता हुआ, मुट्ठी में कैद कर लूँ इसको, नहीं कर सकते। ऐसे जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते, लाख कोशिश कर लें उसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो इम्पॉसिबल है। चलिए मिलते हैं आगे। तो गुरु फाइनली पहुंच चुके हैं अपन हरहुआ हाईवे पे, अपनी गाड़ी हो गई है लोड, ये देख सकते हैं वो गाड़ी एक बढ़ रही है, मतलब मेरे मामा है और बगल में एक गाड़ी और है काबल। हाँ चला चला, बगल में है नंदलाल भैया, ये जाएंगे जहाँ पे विडियम भाई जाते हैं अकबरपुर, वहाँ जाएंगे और हमको चलना है गोरखपुर। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप सभी से अब आगे। तो गुरु फाइनली अपन आ चुके हैं गोरखपुर, ये घुस रहे हैं गोरखपुर मतलब सिटी के अंदर, टर्न लिए राइट आ गए, देखिए अंदर ये जिस जगह पे है उस जगह का नाम है नौबतपुर। ये गोरखपुर में भी नौबतपुर है एक, जिस जगह पे है उस जगह का नाम है नौबतपुर। तो गोरखपुर में भी एक नौबतपुर है, यही बस स्टॉप है नौबतपुर नहीं नौसड़ यार। तो ये नौसड़ है और एक जगह है नौसड़, यहाँ बस स्टॉप भी है आगे थोड़ा सा ही। तो यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट पहुँच जाएंगे मंडी के पास, यहाँ से ज़्यादा दूर मंडी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं मंडी में। तो गुरु फाइनली पहुंच चुके हैं मंडी और ये रही मेरी गाड़ी, और नींद बहुत भयंकर लग रहा भाई, क्योंकि मैं पूरे रास्ते भर आज सोते हुए आया हूँ, पूरा रास्ता हमको नींद लग रहा था। सोते हुए का मतलब मुंह धो धो के आया हूँ, क्योंकि यहाँ से खाली करके भी जाना था, पहले मुझे ही आना था। तो आने को तो तीनों गाड़ी साथ में आ गई, मैं ये रहा और वो रहा रजनीकांत, पीछे मामा की गाड़ी है, तीनों गाड़ी आ गई, पर खाली सबसे पहले मेरी ही होने वाली है। देखिए करते हैं कि नहीं पता नहीं, पर करना ही पड़ेगा उनको। तो यहाँ से मैं खाली करूँगा, फिर मेरे को निकलना है, तो इसलिए चलता हूँ सोने, सो के उठता हूँ, फिर मिलता हूँ आप सभी से। तो गुरु अपनी गाड़ी खाली हो चुकी है, चल रहे हैं अपन भाड़ा लेने थोड़े दूर पे, क्योंकि गाड़ी आज हमको थोड़ा दूर लगाना पड़ा और रोड पर ही लगाए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं, पहले भाड़ा लेते हैं, भाड़ा लेके आते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु गए थे अपन भाड़ा लेने, तो भाड़ा जो है अपने को आज कैश नहीं मिला है, आपने को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए, तो कैश भाड़ा लेना बंद अब से, अब लेंगे ऑनलाइन अकाउंट में सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए भाड़ा तो ले लिए वहाँ जाके, मतलब ऑनलाइन लिए, कैश तो लिए नहीं, क्योंकि चुनाव उनाव चल रहा है भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कैश लेना बंद कर दिए हम लोग, पर कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं आप सभी से आगे। तो गुरु फाइनली सुबह के 8 बज गए और हम मंडी से बाहर निकल चुके हैं, मंडी से बाहर निकल के अभी रोड पे आ गए हैं और यहाँ से चल रहे हैं घर, मीन्स हाँ घर जाएंगे, या तो लोडिंग होगा तो लोडिंग पे जाएंगे। भाड़ा वाड़ा अपना ऑनलाइन ले ही लिए, आपको बताया ही, ऑनलाइन भाड़ा लेने का रीज़न था कि हम ऑनलाइन भाड़ा इसलिए ले लेते हैं ना कि पैसे वैसे का थोड़ा शॉर्ट रहता है, अभी तो मान लो चुनाव चल रहा है तो 10-12 हज़ार से कोई दिक्कत पैसे भी नहीं है, पर कभी झगड़ा वगड़ा कोई कर लेता है, हम लोग ड्राइवर लोग हैं भाई, कहीं कुछ हो जाए तो फटाक से जेब में हाथ डाल लेते, चाबी छीन लेते, पैसे छीन लेते, तो वो सिस्टम नहीं रहेगी, देखा जाएगा क्या होता है। ये इन सभी रीजंस की वजह से हम ऑनलाइन ही देना चालू कर दो, छोड़ो तो इसलिए ऑनलाइन भाड़ा लेते हैं अब। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से आगे। तो गुरु ये हम हाईवे पे हैं, इसी हाईवे पे वो जो दो खंभा दिख रहा है ना, उससे थोड़ा सा पहले बाइक वाला मेरे से लड़ा था, लेकिन बाइक वाला लड़ा कैसे मुझे समझ में नहीं आया। जब ये मेरे से आगे, देखिए अभी थोड़े टाइम में मेरे से आगे निकलेगा ये बाइक वाला, जब मेरे से आगे निकला तो ये वापस मेरे से पीछे कब हो गया और कब लड़ गया, क्योंकि मैं आगे जाके अपनी गाड़ी, देखिए बाइक वाला निकला, मैं आगे जाके अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड में राइट साइड में खड़ा कर दूंगा, खड़ा करके घुमाता हूँ, ये पीछे से आके लड़ जाता है, कुछ समझ में नहीं आया। तो गुरु फाइनली पहुँच चुका हूँ लोडिंग पॉइंट पे और क्या बताऊँ यार, मतलब मूड ना, मैं वैसे बहुत कम दुखी होता हूँ पर ज़िंदगी है ना कि दर्द देती जाती है। मैं कुछ गलती ना करूँ ना, मैं अपनी लाइफ में इतना परफेक्ट आदमी हूँ ना, मुझे ऐसा मुझे नहीं लगता, ये लोगों की ओपिनियन बता रहा हूँ,
जो लोग बोलते हैं, वीडियो आप खुद देखते होंगे, मैं इतना परफेक्ट आदमी हूँ ना, मैं चीज़ें बड़ी संभाल के करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मुझे नहीं पता है मैं उस चीज़ को करता ही हूँ। गाड़ी मैं इतनी संभाल के ड्राइव करता हूँ, उसके बाद भी एक बाइक वाला आज मेरी गाड़ी से लड़ गया, और मैं इंसिडेंट्स बता रहा हूँ, जो मेरा नुकसान हुआ वो दिखा रहा हूँ। चलिए पहले आपको दिखाता हूँ क्या नुकसान हुआ, गाड़ी का क्या नुकसान हुआ है वो आपको दिखा रहा हूँ। पहले इसको ऊपर डालता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे लड़ा है बाइक वाला, ये मेरा गेट पूरा पचक गया, वहाँ पे वो शायद लड़ गया और मेरा गेट बंद नहीं हो पा रहा है, पूरा गेट जो है मेरा वो डैमेज है, ये घुस गया है। और ये ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं है इसमें, बहुत छोटा है, बट ये देखिए ये पूरा ये, और ये सब पूरी स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ था, मतलब क्या ही बोलूँ। मन एकदम ना उदास सा हो जाता है कि आदमी काम करे ना करे, धंधा ऐसा है, पता है, मैं हर बार तो ये नहीं बोल सकता ना कि अपना काम में होते रहता है, हर बार ये बोलना सही भी नहीं है कि अपना काम में होते रहता है, कैसे होते रहता है। बाइक वालों से एक रिक्वेस्ट है, उसने मेरी गलती दे दी, मैंने गलती एक्सेप्ट भी की कि मेरी गलती थी नहीं, पर मैंने उस टाइम पर वो मतलब जो औरत को बिठाता, मैं पूरी स्टोरी बता देता, उसके बाद बातें करते हैं। एक आदमी, हाईवे नया बन रहा है आजमगढ़ देवगांव, एक जगह है जो लोग आजमगढ़ से होंगे उनको पता है, देवगांव में मैं था, रोड बन रहा है वहाँ पे डाइवर्जन है इधर से उधर जाने के लिए, वो डाइवर्जन को क्लोज कर दिया गया था, तो मैं अपना वहाँ तक रास्ता खुला था चला गया। अब मैं साइड में गाड़ी खड़ा किया था, और एक साइड का रॉन्ग साइड खुला है, राइट साइड बंद था, तो रॉन्ग से ही लोग आ रहे हैं, रॉन्ग से ही जा रहे थे, कोई गाड़ी आ रही थी तो बंद था, क्योंकि आगे से कटिंग था, मैं कटिंग छोड़ के आगे चला गया, बाइक वाला मेरे पीछे पीछे एकदम आ रहा है बम 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 बम। मैं क्या किया, गाड़ी रोक दिया, वो मैं देख रहा हूँ साइड ग्लास में कि वो दूर है, तो मतलब दूर है गाड़ी, मैं अपना टर्न मार रहा था कि घुमा लेता हूँ गाड़ी, घुमाने भर में वो आके दरवाजे में, कब लड़के दोनों गाड़ी के अंदर आ गए, एक औरत को बिठाया था, चलो हेलमेट पहना था उसको कुछ नहीं हुआ, औरत के सर में हल्का फुल्का चोट लगा, पैर में चोट लग गया, बैठ के लगी रोने, इमोशनली बहुत वो हो गई, लगी बोलने की मैं घर पे अकेली हूँ और कोई कुछ करने वाला नहीं है, ये वो, मैं इमोशनल हो गया वहाँ पे, मेरे आँख में आंसू आ गए हुए ऐसे ऐसे, क्योंकि ज़िंदगी बच गई, इसलिए रो रही थी कि क्यों, मैं अपने पे सारा कुछ गलती ले लिया, लगा गिरे वो लोग, तुरंत गाड़ी का हैंड ब्रेक उठाया, गाड़ी खड़ा किया, फटाक से गया घूम के दोनों को गाड़ी के, अकेले दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला, अंदर थे गाड़ी के अंदर घुस गए थे, दोनों को बाहर निकाला, बिठाया डिवाइडर पर, बिठा के बाइक खड़ा किया, उस पर कुछ लोड किया था, उसको साइड किया, फिर दो बंदे अचानक आ गए, वो बोलते हैं ना कि आग जल रही तो कोई भी हाथ सेक जाता है, मारा किसी ने नहीं, पर वो बोला कि मैं इसके साथ हूँ, ये भी जो मूर्ख आदमी जो लड़ा वो बता भी नहीं रहा कि ये मेरे साथ नहीं, वो मेरे से पैसे ले लिया, मैं पैसे दे दिया, बोला पुलिस को बुला लो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये मेरी गाड़ी से चाबी निकाल लिया, क्योंकि उसको पैसे दे दिया, तो वही मेरे को रोक रहा था, जिसको चोट लगी थी वो रोक नहीं रहा था, औरत रो रही थी, तो हमको लगा ये साथ में, इसको पैसे दे देते हैं, तो हमने पैसे दे दिए, फिर वो वापस पैसे दिया, हमने दिए औरत को पैसे दिए, उसको समझाए बताए कि भाई कुछ दिक्कत होगा आगे चल के, ज़्यादा दवा चाहिए तो हम और पैसे दे देंगे, तो हमने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, सब दे दिया। पर बाइक वालों एक रिक्वेस्ट है भाई, बहुत आराम से गाड़ी चलाओ, बीते दो दिनों में 3 एक्सीडेंट, परसों शाम को एक हुआ था मेरी गाड़ी से नहीं, कल मॉर्निंग में मैं अपनी बुलेट से गया था दाढ़ी ट्रिम कराने, 3 लोग बिना हेलमेट लड़ गए, अपनी माँ को बिठाया था, अपनी बहन को और खुद, उसका पैर ही पूरा टूट के बैंड हो गया, समझ रहे हो। भाई बहुत केयरफुली बाइक चलाओ, बड़ी गाड़ी वालों का गलती नहीं होता है, मेरी आज तो 1% भी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने पैसे उसको दिए, कितना दिए वो नहीं बताऊंगा, छोड़िए, मैं उसको दवा के लिए पैसे दिया, पर हाँ ये है कि अच्छा खासा पैसा दे दिया, जितना एक चक्कर बचाता हूँ उसका आधा पैसा मैंने उसको दे दिया। तो गुरु यही एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ था, इसको लेके मन एकदम उदास हो जाता है यार, कि मतलब कितना सेफ्टी, बड़ी गाड़ी वाले कितना सेफ्टी चलाए, बाइक वालों बहुत वो चलते हैं, हमारे पास भी बाइक है यार, हम लोग भी चलते हैं, हम लोग तो एकदम नए खून हैं, 22-23 साल एज है, हम लोग तो हमें मुड़ने चाहिए, पर मेरी गाड़ी का मीटर बहुत ज़्यादा जाता है, 60 उससे ज़्यादा नहीं चलता हूँ, मुझे यहाँ तक याद है, शुरू में जब नई नई मेरे पास रॉयल इनफील्ड थी तो मैं भगाता था 80-90 तक भगाया, पर आज तक मुझे याद है मैंने अपनी बुलेट को 100 कभी नहीं भगाया। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, और ख़ासकर अपनी माँ बहन, किसी को भी, स्त्री को, मतलब किसी औरत को बिठा के लेके जा रहे तो बहुत आराम से जाए भाई, ऐसा ना करें। तो बस यही था, मन बहुत उदास है मेरा आज, इस वीडियो को ही एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, केयरफुली ड्राइव करें, आपको मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, केयरफुली ड्राइव करें, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।